मैं रुको जरा स्मोक कर लेता हूँ। हमारे देश का जवान किसी भी हालात में घबरा नहीं सकता, और फौजी बॉर्डर में हो या पबजी में कोई भी इसे हरा नहीं सकता। तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। अब देखो यार, इस शायरी को मैंने 3 दिन पहले बोला था और किसी ने भैया सिर्फ कॉपी पेस्ट करके स्नैक वीडियो में जाके डाल दिया और उसकी वीडियो में 1 मिलियन व्यू आ गए। अब मेरे को कॉपी पेस्ट से दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि जिसने उस शायरी को बनाया उसकी वीडियो में 200 के और जिसने कॉपी पेस्ट किया उसकी वीडियो में 10 लाख। बुरा लगता है भाई। खैर बुरा तो लगता है, पर जो गलत है वो ही गलत है, तो चलने दो। लेकिन अगर हो सके तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करें तो शेयर कर दिया करो यार, क्योंकि उससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। फिलहाल अब इस गेम प्ले की बात करते हैं, तो आज का मैच बहुत ही इंटेंस, क्योंकि इस मैच में शुरुआत से लेकर लास्ट तक हमारी जितनी भी मुठभेड़ होगी सारी की सारी फुल सपोर्ट से होगी। तो वीडियो को पूरा देखना काफी मजे टाइप का आएगा, पर फिलहाल हम उतरे मिलिट्री बेस और उतरते ही मुझे M7 तो मिल जाती है, तो देखो यार अब क्या ही सीन होंगे। अच्छा नहीं दिया लेकिन अभी तो याद आई ये बात। एक बंदा वो भाग रहा है, नीचे कूद गया। ठोकर खाने से बढ़ते हैं आगे फौजी मारे बंदों को बिना स्कोप लगा के। तो यार यहाँ पे उतरते ही मैं 3 बंदों को निपटा देता हूँ, वो भी बिना स्कोप लगा के भैया। लेकिन किल ओनली 2 की मिली थी, क्योंकि लास्ट बंदा अपने टीममेट के पास चला जाता है, तो देखो यार उसको और उसके टीममेट को मैं कैसे निपटाता हूँ। ऊपर आई कौन से घर में घुस गया। कवर बना बस। एक लड़की थी सुनैना, उसके मस्त मस्त थे 2 नैना। मैंने कहा मुझे आपको दिल देना, बोली क्यों कर रहे हो मेरा पीछा, मुझे कुछ भी नहीं लेना, और फिर छोड़कर चली गई यार। लेकिन उसके बाद मैंने एक गाना बनाया, तेरे मस्त मस्त 2 नैन, मोदी जी कर दो पबजी अनबैन, कर दो यार अब बहुत हो गई। खैर यहाँ पर मैं गाना गा ही रहा था, उत्तई में यहाँ एक और टीम जाती है, तो मैं M762 से एक बंदे को नॉक करता हूँ और उसके बाद बिना पट्टी लगाए आगे की तरफ जाता हूँ, क्योंकि पट्टी है ही नहीं यार। तो देखो यार अब क्या होगा। अरे खड़ा यार, मैं खड़ा हूँ तेरे सामने, कुछ नहीं कर पाएगा तू, फौजी पेलेगा सबको अकेले, क्योंकि हाथ में है M762। मैं जानता हूँ बहुत सस्ती है, पर भैया इस गन के ऊपर शायरी बने नहीं पाती यार, तो जो है उसी से काम चलाओ। फिलहाल इस टीम की पेटी में 1 HP में बना देता हूँ, तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है यार, तो लाइक के काले बटन को ठोकना मत भूलना। खैर इनकी पेटी लूट लाट करके मैं आगे की तरफ जा ही रहा था, तभी मुझे टावर में एक बंदा जाते हुए दिखता है, और फिर पहले ना दे देते तो यार यहाँ पर बिना सकोप के कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर उतने में मेरे टीममेट को दया आती है और वो सकोप देता है। लेकिन लो जादू भाई ये लगाओ, इधर आओ। लेकिन तभी जादू भैया नॉक हो जाते हैं, और फिर देखो यार अब क्या होगा। और इस बंदे का नाम होता है मौसी के कांड। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? खैर यहां पे सारी मारनी है इसलिए एक बार रिपीट देखो। माँ के लिए दोनों बराबर होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, इन बंदों की भी बना दी फौजी ने M416 से पेटी। तो यार यहाँ पे मैं 2 बंदों को नॉक करता हूँ और जैसे ही तीसरे बंदे के ऊपर रस करता हूँ तो उसको मेरा टीममेट निपटा देता है, और इसी के साथ मुझे लगने लगा था कि अब मिलिट्री बेस पूरा खाली हो चुका है, पर उत्तई में ये सीन होता है।
ओए नल्ले नल्ले नहीं बोलूंगा नीचे इधर का इधर आ। तो मुझे अचानक से सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जिसको मैं काफी ज्यादा डैमेज भी कर देता हूँ। तो हम डायरेक्ट रश करते हैं और यहाँ आते ही देखो क्या होगा। दोस्त ये फुटप्रिंट आ गए होंगे से। बंदे पर बैठे दो बंदे हैं। तो यार यहाँ आते ही मुझे हमारे सम्मानी आदमी वो दादा देखते हैं, उनकी मैं सम्मान पूर्वक पेटी बनाता हूँ, उसके बाद निंजा टेक्निक करता हूँ और फिर नीचे से आ रहे दो बंदे। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। और फिर मैं समझ जाता हूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं नीचे से जाता हूँ और देखकर इन बंदों को कैसे निपटाता हूँ। बिल्कुल यहीं पे तो। बंदे मारने की जिम्मेदारी टीममेट ने मुझ पर है सौंपी, उनका काम तो बस ये बोलना है बहुत गजब फौजी भाई, ओपी ओपी ओपी। तो यार यहाँ पे तीन बंदे होते हैं, तीनों की हम पेटी बना देते हैं, उसके बाद मुझे मुफ्त की कुछ किल मिलती हैं, तो मैं वो लेता हूँ और यहाँ से लूट लड़ करके ब्रिज की तरफ निकल जाता हूँ। पर अब आगे आपको जो सीन देखने को मिलेगा वो इस मैच का सबसे इंटेंस सीन होगा, तो ध्यान से देखना भैया, मजा टाइप का जाएगा। तेरी तेज आ रही है क्या बोलता आपको? कहाँ बंदे? खैर यहाँ पर मैं अपने आप गिर गया था, सस्ते नशे बोलते। फिलहाल सामने की तरफ एक गाड़ी दिखती है, तो हम समझ जाते हैं कि ब्रिज ब्लॉक है, तो हम धीरे धीरे आगे जा ही रहे थे और फिर ओपन में करते ओपन बिल्कुल ओपन। अब जादू भैया बोलते हैं कि बिल्कुल ओपन में है, लेकिन जब तक मैं आगे जाता वो कवर में जा चुके थे। तो मैं निंजा टेक्निक करता हूँ और ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, पर उतना ही में ये सीन होता है। अभी जाते तो पकड़ लेते। अब जाओ। अरे गए। तो यार यहाँ पर पीछे से अचानक से एक और टीम आ जाती है, जिनमें से दो बंदे को मेरे टीममेट नॉक कर देते हैं, और अब बचे हैं दो, तो देखो यार उनको मैं कैसे निपटाता हूँ। Mark the location. वो लड़की मुझे बचाने नहीं आती, जो करती मुझसे प्यार, जब घेरते मुझे बंदे चार, बचाने आते मेरे सच्चे यार। और ये दुख खत्म क्यों नहीं होता यार, क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? और भैया पहली बार भगवान ने आज मुझे रिप्लाई दिया और कहा, बेटा विनर को हिंदी में बोलते हैं जीत, और तुम बाका में हो बहुत ज्यादा ढीट, जब गोली पड़ रही थी तो तुम क्यों लूट रहे थे। उनका भी कहना बिल्कुल सही है भैया, पर भैया अगर आप लोगों ने देखा होगा तो समोक हो रखा था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये समोक में भी एडजस्ट कर देंगे। गजब डुबीवाज आदमी हो। वॉच आउट। अब यहाँ पर मैं एक बंदे को नॉक करके उसकी पेटी बना देता हूँ और उसके बाद दोबारा निंजा टेक्निक करता हूँ, पर उतने में ही मुझे पीछे से एक और गाड़ी आती हुई दिखती है। जो कि उन्हीं बंदों का टीममेट होता है। खैर उसके बाद मैं दोबारा बर्फ की दीवार बनाते बनाते ऊपर की तरफ चढ़ जाता हूँ, और अब देखो यार क्या ही सीन होंगे। वो नॉक भी हो गया, लो कुछ मार रहा है वो। मैं कवर में नॉक हुआ हूँ। मैक्स प्रो आना भाई, क्या कर रहा है?
मेरे को भी अब आ जाओ इधर ही आ जाओ कोई नहीं। एरेंगल का कोना कोना याद है, भूलने लायक कोई जगह नहीं छोड़ी, और टेक्निक यूज करता हूँ ऐसे जैसे हूँ मैं कोई निंजा हथौड़ी। तो यार फाइनली मैं इस ब्रिज कैंप को भी तोड़ देता हूँ। खैर इनका जो चौथा बंदा होता है भैया वो नीचे कूद जाता है और उसके बाद जोन में मर जाता है। पर आई होप जिस तरीके से मैंने ये ब्रिज ब्लॉक तोड़ा वो आपको देख के मजा आया होगा। अगर मजा आया हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब के लाल बटन को ठोकना मत भूलना। और अभी यहाँ पे मैं खुद की खुशी से नॉक हुआ हूँ तो यहाँ पे मैं बहाना नहीं दूंगा यार। तो अब ये मत बोलने लगना कि भैया हमें तो हर नॉक में बहाना चाहिए। खैर सामने वाले घर में एक गाड़ी खड़ी होती है तो मुझे डाउट लग रहा था कि भैया सामने कुछ बंदे हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई भी नहीं होता। पर आपको पता ही होगा कि ग्लिच का उपयोग बहुत बंदे कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि भैया गाड़ी फोड़ दो। तो हम गाड़ी फोड़ते हैं और तभी देखो यार क्या होगा। गाड़ी आ गई फौजी भाई। तो यार जैसे ही हम गाड़ी फोड़ते हैं उतने में वहाँ पे एक टीम जाती है और फिर हाँ इसी के बाद एक डब्ल्यू में सुअर के पास मतलब पीक दे रहा है वहाँ से कंटेनर के पास। मारो रो ना चारों फायर दो ना अंडरस्टैंड कहीं तो साउंड तो सुनो। आ जाओ। वो हमेशा मुझसे कहा करती थी मेरे बाबू ने थाना थाया फौजी की M4 से कोई नहीं बच पाया। तो यार यहाँ पे मैं दो बंदों को नॉक करता हूँ उसके बाद डायरेक्ट हम रश कर देते हैं और देखो यार बचे हुए बंदों को मैं कैसे निपटाता हूँ। अरे एक और भाई अब बचे क्या हुआ लोड तब तो चल रहा थी दो बंदे रिवाइव अंदर है बस ओम वाला। ना पुलिस में रिपोर्ट होती ना अदालत में कोर्ट होती, जब फौजी की M249 चलती तो बंदों पर विस्फोट होती। तो यार फाइनली मैं स्टीम की भी पेटी बना देता हूँ और इसके बाद इनकी पेटी से मुझे AWM और गाजर घास मिल जाती है। तो मैं उनको लपेटता हूँ और बचे हुए लास्ट तीन बंदों को ढूंढने निकल जाता हूँ और देखो यार अब वो हमें कहाँ मिलते हैं। वहाँ पे बंदा लेटा हुआ है चढ़ा देना उसको okay. ये रहा देखो ये रहा। अब यहाँ पे इस बंदे को मैं फुटपाथ में कुचलता हूँ। उसके बाद मैं समझ गया था कि इसका टीममेट भी यहीं कहीं लेटा होगा तो मैं दोबारा गाड़ी घुमाता हूँ और तभी वो रहा जोन में ही है जोन के बाहर ही है इधर ये रहा देखो मार्क द लोकेशन मारो मर जाएगा हो AWM से हेडशॉट मारता हूँ ऐसे जैसे क्रिस गेल मारता है छक्के। 25 गोली कम पड़ जाती है पबजी वालों। अरे तेरा बाप ने होटल खोल रखे है। और भैया ये किस किस्म का सांप था समझ नहीं आया यार, 1.5 इंच के जोन से भी इसको फर्क नहीं पड़ा। खैर जो भी उस सांप की भी हम पेटी बना देते हैं और अब बचा एक लास्ट बंदा जिसको हम लोग काफी देर तक ढूंढते हैं, लेकिन जब दोबारा इसी तरफ आते हैं तभी ये सीन होता है। अरे वो रहा लेटा हुआ फौजी भाई कौन लेटा हुआ इधर 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 मेरे पास इधर ही इधर अरे नाइस मार लो अरे ओ मेहनत करना मत छोड़ना उसी से फ्यूचर बनता है। और आज खड़ा हूँ इतनी ऊंचाइयों पर क्योंकि मेरे पीछे मेरी माँ की दुआएं और सपोर्ट करने वाली जनता है। तो यार इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल में न हो तो प्लीज करना सब्सक्राइब। देखो 8 लाख का परिवार होने वाला है अपना, कर दो मेरा पूरा ये भी सपना। और साथ ही इंस्टा को फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत जय माता दी।